सो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले कैंडल। तो कैंडल बन के रेडी है, मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप से बनी कैंडल। ये देखो भाई, साइज और शेप से बनी है, एकदम बढ़िया देख सकते हैं। और कलर भी आया इसके अंदर, कलरफुल कैंडल है, आप इस टाइप से बना सकते हो। तो आप भी इस टाइप से कलरफुल कैंडल बना सकते हो, किस टाइप से बनानी कैंडल, तो आज इसी वीडियो के अंदर हम देखने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस टाइप से कैंडल बनती है। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो को आप मिस ना कर सको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कलरफुल मोमबत्ती बनाने के लिए आपको यहाँ पर यूज़ करना होगा जो पुरानी मोमबत्ती होती है हमारी, उनको यूज़ करना है। देखो कुछ इस टाइप की आती है, पुरानी होती है, आप इसको रीयूज कर सकते हो। ओके, तो इसको लेना है। देन उसके बाद आपको एक कटोरी और चम्मच लेना होगा। चम्मच की वैसे कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आप कटोरी ले सकते हो, ओके, कोई भी मेटल की। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर थ्रेड लेना है, कुछ इस टाइप का थ्रेड आता है, आप मार्केट में जाते तो आपको मिल जाता है, वो मोमबत्ती का थ्रेड होता है। ओके, आप इसको परचेस कर लीजिए या फिर अपना घर का भी जो जलने वाला थ्रेड होता है उसको यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये थ्रेड ले लिया हमने। अब हमने यहाँ पर एक कुछ इस टाइप का बना लिया है, देखो इस टाइप का बना लिया। जैसे आपको मोमबत्ती का कैंडल बनाना है उस टाइप का, आप उस टाइप का बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दूँ, यहाँ पर कुछ कार्डबोर्ड लगाया मैंने और यहाँ पर एक थोड़ी सी प्लेट लगा दी ऊपर से और इस टाइप का बना दिया। आप चाहो तो एक पीवीसी पाइप ले सकते, उसके नीचे उसको एक ढक्कन पैक कर दीजिए और उस पीवीसी पाइप को ऊपर लगा दीजिए। छोटी वाली पीवीसी पाइप आती है उसका यूज़ कर सकते और ऊपर से कैंडल डाल सकते। ओके, तो अब शुरू करते हैं किस टाइप से बनाना है। ओके, सबसे पहले आपको लेनी खाली कटोरी। ओके, कटोरी लेने के बाद उसके आपको जो मोमबत्ती के टुकड़े उसको इसके अंदर डाल देने। चलो इसके अंदर डाल दिया इसके अंदर। अब आपको क्या करना है, साथ ही साथ लेना है फूड कलर। ओके, अगर आप बनाना चाहो कलरफुल तो फूड कलर डालना। ओके, देखो एक कलर ले लिया फूड कलर, थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, इसके अंदर डाल दिया इतना। अब फूड कलर डाल दिया, ये भी डाल दिया। अब इसको गर्म करेंगे, तो गर्म करने के लिए हम मोमबत्ती का ही यूज़ कर रहे हैं। तो आप चाहो तो इसको गैस को भी गर्म कर सकते हैं। तो चलो मैं फ़िलहाल इसे गैस पर ही गर्म करके लाता हूँ। और गैस पर जैसे गर्म करेंगे इसका पानी पानी बन जाएगा, मतलब मोम का पानी जो होता है मोम बन जाएगा। ओके, तो इसका लिक्विड बन जाएगा इसका। ओके, तो इसको गर्म करके लाता हूँ मैं। ओके, तो देखो इस टाइप से बनाएं, वो जल्दी जल्दी डालना होगा इसको, मतलब जो ठंडा होने से पहले इसको इसके अंदर डालना है। तो इसको अंदर डालेंगे और इसको थ्रेड को इसके अंदर डालेंगे, बहुत ही ध्यान से डालना है, ये बहुत ही मोम होता है। अगर इसके अंदर पानी भी आ जाता है तो आपके हाथों को मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्लास्ट हो सकता है। ओके, तो बहुत टेक केयर लेनी पड़ती है। ओके, इस टाइप से आपको डाल देना पूरा। अब इसको थोड़ी देर कर ठंडा होने देना, जब भी ये ठंडा हो जाएगा इसके अंदर मोमबत्ती बन जाएगी। लगभग 2-3 मिनट, 4-5 मिनट लगेंगे ठंडा होने के लिए। तो भाई यहाँ पर कैंडल सूख कर रेडी, मैंने और भी ज़्यादा डाल दिया था इसके अंदर मोम, तो थोड़ा ब्लैकिश हो गया शायद, यहाँ पर ब्लैक कलर पड़ गया था थोड़ा इसके अंदर। तो इसको निकालेंगे, अब यहाँ पर पीछे से निकालेंगे इसको इस टाइप से। ओके, सूख कर रेडी शायद, कोई दिक्कत नहीं। ओके, देखो कलरफुल बन गई, थोड़ी और भी सूखना बाकी है। तो इस टाइप से इसको निकालेंगे, थोड़ा धीमे धीमे काम निकालना, थोड़ा मुश्किल है लेकिन कोई बात नहीं, निकल जाएगी। तो फाइनली इसको कट ही कर दिया, वैसे निकाल के वो टूट जाता मोमबत्ती हमारी, तो कट कर दिया इसे यहाँ से। अब निकालते धीमे धीमे,
देखो ये निकल गई मोमबत्ती, ऊपर से थोड़ी ब्लैकिश हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, कलरफुल तो बनी है। यहाँ पर देखो नीचे कलर थोड़ा साइड में, वो कलर नहीं आया इसलिए कलर नहीं बना, तो इसको भी कलर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको फिनिशिंग दे देते थोड़ी बहुत। तो देखो मोमबत्ती एकदम बढ़िया बनी, थोड़ी साइज़ और शेप कम पड़ गई थी, इसके अंदर जो मोम था वो कम पड़ गया, नहीं तो ये एकदम साइज़ और शेप से बनती। ओके देखो इस टाइप से बनी है, टेस्ट करते इसका भी। तो जलाते इसको, देखते किस टाइप से जलता है। इसके ऊपर भी थोड़ी बहुत मोम आ गई, इसको निकालना। देखो कैंडल एकदम रेडी है, ऐसे शेप वाला कैंडल आपने पहले देखा होगा। देखो क्या कैंडल है यार, एकदम मज़ा आ गया है मेरे को तो देख कर। देखो वैसे हाथ पे तो नहीं पकड़ना चाहिए इसको। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बनता है यार, और लाइक क्यों नहीं करते यार, आप लाइक किया करो। ओके तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।